हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज कितनी अच्छी धूप निकली है, मैं फिर भी धूप में नहीं बैठती। आह वाह वाह वाह, क्या मस्त धूप है यार। सुबह की ना धूप ही एकदम मस्त होती है। सुबह की धूप में तो बैठना चाहिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है यार। बच्चे में इतना बिजी हो जाते हैं, धूप में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। और दोपहर की में तो बैठना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो मैं सुबह उठी तो मम्मी ने तब तक सारा खाना बना लिया था। मैंने सोचा धनिया काट देती हूँ, और क्योंकि भाई कॉलेज जा रहा था तो मम्मी भी लेट हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि चाय दे आओ जाके भाई को। तो मैंने अपनी भी चाय कर ली और भैया की भी चाय कर ली। उसके बाद अन्या बोली मुझे भी चाय पीनी है, तो मैंने सोचा चाय दे देती हूँ, उसी में थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ ताकि उसे फिर मतलब वो पी लेगी, फिर नक्शे नहीं दिखाई। क्योंकि बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए कभी भी, जिससे बच्चों की भूख मर जाती है। उसके बाद मैं अपने भाई को चाय दे आई। भाई बोल रहा था तू वीडियो बना दी क्या मेरे, तो अभी मैं भी चाय पी लेती हूँ। आ जाइए आप सभी लोग, चाय पी लीजिए आके, धीरे धीरे वरना फैल जाएगी। गुड गर्ल। ये क्या हो रहा है, सुबह सुबह ये कार्टून देखे जा रहे हैं। चलो बाहर घूमने घर आते, आजा आजा बच्चा, जल्दी आजा बच्चा। मम्मा गोदी नहीं ले पाएगी, लेकिन कार्टून बंद करो पहले। इसकी दुद्दू में इतनी नौटंकी होती है, पूरा दुद्दू खत्म हो जाना चाहिए। मैं 10 तक गिनती गिनूं तब तक पूरा दुद्दू मुझे मम चाहिए। तो मैं भी जा रही हूँ अपना वीडियो शूट करने, जो मेरा मेन चैनल है उसके लिए। ढूंढ लेती हूँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं है। तो YouTube की वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा कि मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। सारा काम तो हो ही चुका था, मतलब अभी नहीं हुआ था, खाना वगैरह बनाया था। तो एक हाथ से मैंने गैस वगैरह साफ़ मैंने सोचा कर देती हूँ, मम्मी की हेल्प हो जाएगी। वैसे भी इस टाइम सारा काम उन्हें ही करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ। तो अगर आप लोग गैस, मतलब हमारे यहाँ गैस इसी तरीके से साफ़ होती है, पहले पूरी साबुन से साफ़ की जाती है, उसके बाद गीले कपड़े से उसे पोंछा जाता है, एंड फिर उसको सूखे कपड़े से, जिससे एकदम चमक जाती है गैस। और हमारे यहाँ टाइल वगैरह भी हम लोग डेली के डेली साफ़ करते हैं, और गैस भी इसी तरीके से डेली साफ़ करते हैं। इससे आपकी गैस क्या होगी, बहुत एकदम साफ़ रहेगी। जब आप थोड़ा थोड़ा डेली करोगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा काम का लोड नहीं होगा। और अगर आप डेली नहीं करते हो तो एक दिन में ही आपकी ढंग से कछाई निकलने वाली है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ी क्लीनिंग करनी है, वो भी डेली। दूसरी साइड भी साफ़ कर लेती हूँ। आ जाए, पूरे दिन कार्टून ही देखे जाएंगे, आंखें खराब हो जाएंगी आपकी। बाबू छपन छपाई खेल रहे, मुझे ढूंढने आएंगी। एंजल ने मुझे देख लिया, लेकिन अन्या मुझे नहीं देख पाई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं झाड़ू भी लगाई देती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी की हेल्प हो जाएगी ना, एक हाथ से मैं कर भी लूँगी। क्योंकि कचड़े वाला कचरा लेने आ रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के उसको कचरा दे देती हूँ सारा एक साथ ही, तो ठीक रहेगा। और फिर मैंने, मुझे याद आया मुझे तो अभी दवाई भी खानी है, तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में झाड़ू कर लगा लूँगी। तो खाने में अरहर की दाल, आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी और खीरे का सलाद काट लिया था मैंने। सलाद के साथ खाने का टेस्ट ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और सैलेड हेल्दी भी बहुत होता है, और मुझे भूख भी बहुत जल्दी लगाती है। अगर मैं 6 बजे उठ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे 7 ही बजे खाना मिल जाए, क्योंकि मुझे, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ।
एंजल को देखो जरा, इससे तो खीरा इसकी जान है। और खाना खाने के बाद मैं आ गई रेलिंग पे दोबारा झाड़ू लगाने के लिए। एक आप लो। ए एंजल खा लेगी, एंजल खा लेगी, एंजल तुम भी लोगी, थोड़ा ही दूंगी, तोड़ ले रही, रुको लो। चॉकलेट तो इसकी फेवरेट है, आपको भी चढ़ती है। अच्छी लग रही है ना, मंच हो गई। हाँ अब थोड़ी बची है, ठीक है। सो मैं अपने सेकंड चैनल के लिए मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद नहा लूंगी, क्योंकि फेस पे लगाते कपड़ों पे भी आ जाता है, गंदे हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं नहा लूंगी। तो अब मैं आपसे नहाने के बाद मिलती हूँ। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, एक हाथ से ना नहाते नहीं बनता, कोई काम नहीं किया जाता। अन्या कपड़े पहनने में इतनी नौटंकी करती है, आप लोग देख सकते हैं। आप पहले कपड़े पहन लो, फिर चाय बनाओ मम्मा, फिर दूध पी लेना, फिर निन्ना कर लेना। हाँ आ मम्मा, एक बहुत अच्छी चाय, बहुत टेस्टी चाय बनाई मम्मा ने। सॉक्स पहनो, चलो बैठो, सॉक्स पहना दो। पियोगे खाना ले आऊं, दाल रोटी, दाल रोटी। ओके ला रही, ठीक। लो मम्मा खाना ले आए आपके लिए। आपको भी खाना है, खाना एंजल, मैंने खाना खाया था, खिलाया था आपको। आराम से छोड़ो बेटा, आराम से लो, पैन मुंह में नहीं रखो, पूरा फिनिश करो। अच्छा लग रहा है खाना, पूरा फिनिश करो, चल खाना खाना है। मुझे ऐसे पंजे मार रही है कि मुझे भी खाना दो। लो लो खाना लो, भूख लगी एंजल को। सो गाइस मुझे नींद आ रही है, मैं अन्या को सुलाती रही, वो सोई नहीं। और मेरे ना मुझे हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने वो सपोर्टर मतलब हटा दिया था जो दिया था डॉक्टर ने, तो अब मुझे पेन हो रहा है। मैं सोच रही थोड़ी सो जाती हूँ, उठूँगी शाम की तरफ। A few moments later. Hi guys. तो मैं सोई नहीं, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, फ़ोन चला रही थी, तो मम्मी ने बोला मूँगफली छील दो, वो मूँगफली की चिक्की बनाएंगी। तो हम लोग जा रहे हैं मूँगफली छीनने के लिए। ये देखो, ये मैं दाने छील रही हूँ, इतने छिल पाए और इनका खाना शुरू हो गया। एंजल अन्या दोनों लोग मुट्ठी भर भर के मैं छील रही हूँ। और ये है कि एंजल तो इतनी पागल रहती है मूंगफली खाने के लिए, देखना अभी कैसे खाती है। लो एंजल, ये लो, अब अभी यहाँ खाएगी नहीं, वो अकेले में जाके अपना खाना खाती, वो चली गई, वो चली गई। अच्छा आप मूँगफली छिलवाओ, फिर आपके लिए अप्पा बनाएंगे। इतनी मूंगफली मैंने अकेले मिलके छीली है, मेरे हाथ में दर्द होने लगा, वैसे ही मुझे चोट है मेरे हाथ में। ये मूंगफली कल छीलूंगी, फिर हम लोग परसों चिक्की बनाएंगे। तो प्लान हो गया कैंसिल चिक्की का। बल्ला अच्छा बच्चा हो गया ये तो। अच्छा वो सुनाना बेबी सा टू 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 टू, बेबी सुना। मम्मी डैड टू डू टू डू और डैडी डैड टू डू टू डू।
तो गाइज मेरा अभी भी शूट ख़त्म हुआ है जो मेरा मेन चैनल है उस पर। अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका नाम है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। वीडियो शूट करने के बाद मैंने सोचा थोड़े से कपड़े मम्मी छत से लेके आई थी तो वो सारे कपड़े मैं तय कर देती हूँ, तो बस मैं वही कर रही हूँ। वैसे एक हाथ से मुझसे कपड़े भी नहीं तय होते हैं ना, क्योंकि दर्द होता है। अभी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे बिकॉज हड्डी की चोट है, तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, इसलिए। अब मैं जा रही हूँ पराठा सेकने। मुझे ना भूख लगाई थी, शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा रोटियाँ रखी हुई थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनी थी, तो मैं पराठा सेक लेती हूँ। मुझे ना आलू गोभी की सब्ज़ी इतनी खास पसंद नहीं है, पराठा से या फिर पूड़ी से खा लेती हूँ, बाकी मुझे इतनी खास नहीं लगती है। तो मैंने सोचा आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ पराठा सेक लेती हूँ, एकदम क्रंची क्रंची से, करारे करारे से पराठे। तो गाइस पराठा रेडी है, आ जाओ खाने के लिए। मेरा तो अभी खाना हो जाएगा, अब तो मैं शाम को ही खाऊंगी, वो शाम को ही नहीं खाऊंगी, कल खाऊंगी। मुझे आलू की सब्जी के साथ पराठे ही पसंद है ज़्यादातर। मुझे ना इसी तरीके के पराठे पसंद है, एकदम क्रंची क्रंची पराठा। हाथ जल गया रे एक्साइटमेंट में। खाना खा लिया मैंने, एकदम मस्त पेट भर गया। लिपस्टिक देखो मेरी सब छूट गई, वीडियो बनाई थी ना तैयार हुई थी, तो हाथ में ना एकदम से ना दर्द होने लगता है, पता नहीं क्या हो गया है। अब जा रही हूँ प्रेस कर लूँ, थोड़े से कपड़े पड़े हैं मुझे जाना, बैग भी पैक करना है ना, तो वहाँ जाके तो वैसे ही बहुत काम हो जाने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने सारे कपड़े प्रेस कर लेती हूँ अच्छे से, फिर पैकिंग करना स्टार्ट करती हूँ। ये थोड़े से कपड़े हैं, कुछ मेरे और कुछ भाई के, तो कर लेती हूँ सारे कपड़ों में प्रेस। आप मम्मा आपको सुनाए एबीसीडी कि नानी सुना नहीं रही है। ए ए बी सी डी ई F G सो गाइज मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हम सोने ही जा रहे हैं क्योंकि खाना वगैरह तो हो ही गया, तो सारा काम भी हो गया है, तो अब मैं सोने जा रही हूँ। बाय।